आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे हमारी जर्नी जो है जुलुक से लेके गैंगटॉक तक की, और पहुंचने के बाद आज लास्ट डे है तो हम गैंगटॉक में ही रहने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, चलिए फिर शुरू करते हैं। दोनों फ्रेश हो ली थी, थोड़ा सा होटल पे आने के बाद भूख लग रही थी, सो जस्ट थॉट ऑफ कमिंग, सो वी हैव ऑर्डर्ड सैंडविच, खाते हैं। इतना बाइक चलाने के बाद बॉडी इतना टायर्ड है, बता नहीं सकते, सम हाउ वी आर मैनेजिंग। बोला मैं ग्रिल सैंडविच ऑर्डर दिया था मगर आया नहीं है, आया कुछ ऐसा है। कॉफ़ी पिया, खुद को रिचार्ज किया और अब हम चल रहे हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा शॉपिंग भी कर लेंगे और घूम लेंगे। मार्केट घूमने के बाद बाइक वापस हमने पहले ही कर दी थी, हमें डिपॉजिट का थोड़ा सा सामान वामान लेना था, वो लेने पहुंच गए और बाइक का मीटर चेक किया। ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर राइड पे आपको दिखा रहा है मैंने, हमने ये टोटल लास्ट 6 दिनों में बाइक चलाई है। अगर आप गूगल पे लिखते हैं ना कि टॉप 10 प्लेसेस या टॉप बेस्ट प्लेसेस टू ईट इन गैंगटॉक, हाउस ऑफ टिबेट नाम का एक रेस्टोरेंट आता है। पिछली बार एक बार शोमोजीत ने भी ट्राई किया था जब वो लास्ट टाइम आया था, बट सीट नहीं मिला था, तो इस बार वी थॉट के थोड़ा सा पहले जाते हैं, अभी 7:30 भी नहीं बजे, जाके एक बार नाम लिखाते हैं और ट्राई करते हैं, अगर मिलता है सीट और खाना दोनों तो लेट्स सी। फूड का रिव्यू तो नहीं दूंगा क्योंकि वो फोटे नहीं है मेरा, मगर खाना को इन्जॉय ज़रूर करूँगा, और आज लास्ट दिन है, लास्ट शाम है, काफ़ी इन्जॉय हुआ, सारी बातें आपके साथ करूँगा। गैंगटॉक में मोस्ट ऑफ द लोकेशन पे ना आप स्मोक नहीं कर सकते हैं, बाहर नो स्मोकिंग जोन है, और इतने टूरिस्ट आते हैं ना एमजी रोड पे, तो उनके लिए ये जगह बनाई गई है जो आपको दिखाया, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मैं खुद तो स्मोक नहीं करता बट मे बी दिस इज़ हेल्पफुल। सो दिस इज़ गैंगटॉक का एमजी मार्ग और हाउस ऑफ टिबेट यहीं कहीं है जहाँ पर हम जाने वाले हैं, और वहीं से अगर आप इस रोड से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये फ्लावर की दुकान के पास आपको ये ऑल ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप स्मोक कर सकते हैं आप चाहे तो। टेस्ट ऑफ टिबेट, शटर क्या ना दिया, बंद है। एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल आ रहा है 2 दिन बाद, 7:30 बजे बंद। बहुत कोशिश के ऊपर ओनर से भी बात की बट ही सेड एवरीथिंग इज ओवर, तो नहीं हो पाया। अब गूगल पे देख रहे हैं दूसरा क्या मिलता है ऑप्शन में। निम्थो ये ट्राई करने वाले हैं, निम्थो में भी खाना नहीं मिला, बंद है। सो वी आर ट्राइंग वन मोर लोकेशन। बहुत ऊपर है, थक गया है, आई जस्ट होप यहाँ पे खाना मिल जाए। ये रहा एमजी मार्ग नीचे, बोलो। मेन्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखे गए हैं, पेन दिया है, पेपर दिया है, कहा है जो जो चाहिए लिख दो, लिखने के बाद वो लाके दे देंगे। हाय, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है कॉस्टी। ये जो सीरीज़ आप देख रहे थे ना, ये सिक्किम की सीरीज़ थी जहाँ पे हमने बाइक राइड के थ्रू से हमने कवर किया नॉर्थ सिक्किम का एरिया, जहाँ पे हम पहले लाचेन की तरफ गए और लाचेन से गुरुदंगमार वापस आते हुए फिर हम लाचुन की तरफ गए, और करने के बाद हमने लाचुन पे 0 पॉइंट थी युंगफांग वैली, वो कवर करने के बाद हम लोग फिर गैंगटॉक वापस आ गए। फिर हम पहाड़ के दूसरे साइड गए जो ईस्टर्न साइड ऑफ द सिक्किम है, जहाँ पे हमने छंगू, नथुला, उसके बाद जुलुक करते हुए हम दोबारा वापस आए। ये ट्रिप थोड़ा सा बड़ा था मगर कम दिनों में हमने इस ट्रिप को कवर किया, और करीबन आपने देखा ही होगा वीडियो में ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर हमने बाइक चलाई। इसके बाद की जो वीडियो आएगी ना वो मैं कॉस्टिंग के ऊपर बना दूंगा कि आप सस्ते में कहाँ रह सकते हैं, बाइक कितने की है, पेट्रोल का क्या खर्चा है, पूरी डिटेल्स डाल दूंगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि सिक्किम को कवर करना चाहते हैं बाइक के थ्रू से
जिसमें सारी डिटेल्स रहेंगी बाइक रेंट से शुरू करते हुए परमिशन तक की। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से जिन्होंने भी ये वीडियोस देखी हैं, ये सीरीज पे मैंने जो वीडियोस डाली हैं उन सबको बहुत पसंद आई है, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, एंड स्क्रीन में देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये प्लेलिस्ट देखने के लिए। अगर आप ईस्टर्न इंडिया की बात करें, मुझे नहीं लगता है कि कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहता, बट मुझे लगता है कि सिक्किम से बेहतर जगह आपको मिलेगी नहीं। अगर आप ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया कभी आते हैं, मतलब अगर आप लद्दाख की तरफ जा रहे हैं, हिमाचल घूम रहे हैं, वो एक साइड अलग है, अगर आप इस साइड आ जाते हैं ना तो सिक्किम मस्ट विजिट बनता है। अगर आप घूमना पसंद करते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा और पूरा एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर आप बाइक लेके एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चैनल पे इतने दिनों से आप लोगों ने जिस तरह से प्यार मेंटेन करके रखा हुआ है, उतना ही प्यार मेरे इस सीरीज़ को भी आप देंगे। और आपके पास अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछ लीजिएगा, आई प्रॉमिस यू मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। तो बस अपना ख्याल रखें, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।